Hello guys, welcome to Learning Curve classes. My name is Vedant Dwivedi. I'm your host and teacher. आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द करेंट अफेयर्स परस्पेक्टिव एंड डिफेंस एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है. सो टॉपिक इज इंपॉर्टेंट मिसाइल्स टेक्नोलॉजी इन इंडिया. हमारे इंडिया में जो जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, कौन कौन सी मिसाइल्स डेवलप करी गई हैं इंडियन गवर्नमेंट और बाकी फॉरेन गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ में, प्लस DRDO कौन सी मिसाइल्स पे काम कर रहा है, आज उसके ऊपर बात करते हैं. टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से लेक्चर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगा. समझते हैं मिसाइल होता क्या है. बेसिकली जो आपने वर्ड हमेशा सुना होगा मिसाइल, तो मिसाइल बेसिकली एक वेपन होता है, एक रॉकेट प्रोपेल्ड वेपन होता है. रॉकेट प्रोपेल्ड का मतलब जो सेल्फ प्रोपेल्ड होता है, उसमें एक रॉकेट लगा होता है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता है. एक तरह का वेपन होता है जिसमें हम एक्सप्लोजिव लगाते हैं, एक्सप्लोजिव जिसको हम वॉरहेड बोलते हैं. ये एक्सप्लोजिव किसी भी तरीके का हो सकता है, कन्वेंशनल या न्यूक्लियर, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जिसमें हम कुछ भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू हिट अवर टारगेट विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड विद अ ग्रेट हाई स्पीड. अगर किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ टारगेट पे हमें अटैक करना है बहुत हाई प्रिसीजन और हाई स्पीड के थ्रू, तो हम मिसाइल्स का यूज करते हैं. हमारी इंडियन डिफेंस फोर्सेज बहुत अलग अलग तरह की मिसाइल्स यूज करती हैं, जो कि बहुत बेनिफिट होती है इन द टाइम ऑफ वॉर और इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी. तो ये है मिसाइल की प्रॉपर डेफिनेशन, जो बोलती है मिसाइल अ रॉकेट प्रोपेल्ड वेपन डिजाइन टू डिलीवर एन एक्सप्लोजिव वॉरहेड विद ग्रेटर एक्यूरेसी एट हाई स्पीड. समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिसाइल्स के बारे में. इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम था जिसने शुरुआत करी थी मिसाइल डेवलपमेंट की इंडिया के अंदर, जो कि स्टार्ट हुआ था 1983 में. एंड इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के जो मेन चीफ थे, ही इज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनके कंट्रीब्यूशंस के थ्रू हमें आज इतना एडवांस सिस्टम मिला है. ये प्रोग्राम बेसिकली जब लॉन्च हुआ था, तो इसका एजेंडा 5 मिसाइल सिस्टम पे काम करने का था हमारे देश के लिए. पहले था त्रिशूल मिसाइल, दूसरा आकाश, नाग, पृथ्वी एंड अग्नि. ये 5 मिसाइल्स को डेवलप करने का प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट हुआ था अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. तीसरा पॉइंट, अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, द पहली मिसाइल जो टेस्ट फायर करी गई थी उसका नाम था पृथ्वी. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. पृथ्वी मिसाइल को पहली बार टेस्ट किया गया था एंड डेवलप किया गया था अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू, जिसकी शुरुआत 1983 में हुई थी. बट द पृथ्वी मिसाइल को जो हम टेस्ट फायर किया था, इट्स इन 1988. उसके बाद हमने अग्नि मिसाइल लॉन्च करी थी जिसका एज यह था 1989. फोर्थ पॉइंट, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. ये वर्ड आप समझिए, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ट्रैवल करने की क्षमता रखती हैं. बैलिस्टिक वर्ड मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा, पहले इस पे फोकस करें. इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जो ट्रैवल करने की क्षमता होती है मिसाइल्स के अंदर, उनको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं. इनकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा हो सकती है एंड ये बहुत मैसिव, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजिव या वॉरहेड जो है कैरी कर सकते हैं, जिसकी क्षमता 3 टन तक होती है उसके पेलोड की. लास्ट पॉइंट, द डेवलपमेंट ऑफ क्रूज मिसाइल वाज स्टार्टेड विद ब्रह्मोस, विच इज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट विद रशिया. दो तरह की मिसाइल्स होती हैं जिनके बारे में भी आपको बताऊंगा, बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल. सो क्रूज मिसाइल थी जिसकी शुरुआत इंडिया में हुई, जिसकी डेवलपमेंट स्टेज इंडिया में स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई थी प्रोजेक्ट ब्रह्मोस के द्वारा. ब्रह्मोस बेसिकली इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया, दो कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था ब्रह्मोस मिसाइल, जो आज के टाइम पे हमारी डिफेंस फोर्सेज यूज कर रही हैं. तो आइए समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या होती हैं. अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल. सो बेसिकली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इन दोनों मिसाइल्स के अंदर, इन दोनों का एक फटाफट क्विक हम एक डिफरेंस देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है. फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि मिसाइल्स की क्या फंक्शनैलिटी होती है. अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, यानी कि दूरी की बात करता हूँ, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं, ये लो से वेरी हाई तक इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है, इनकी रेंज आती है. ये अप टू 15,000 किलोमीटर्स की इनकी रेंज होती है बैलिस्टिक मिसाइल्स की. वहीं बात करी जाए क्रूज मिसाइल की, तो ये मोस्टली 1000 किलोमीटर से लेके 4000 किलोमीटर तक ट्रैवल करने की क्षमता रखती है. बात करूँ एल्टीट्यूड की, यानी कि ऊंचाई की, तो हाई बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो एल्टीट्यूड होता है वो बहुत हाई होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके
इंटरकॉन्टिनेंटल डिस्टेंस में ट्रैवल करने की जो क्षमता होती है वो बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर होती है, इसलिए इनका एल्टीट्यूड बहुत लंबा होता है, बहुत ऊंचाई तक जाती हैं। जितनी ऊंचाई तक जाती हैं इसलिए इजिली डिटेक्टेबल हो जाती हैं, अपनी साइज और क्षमता के द्वारा इनको इजिली डिटेक्ट किया जा सकता है। वहीं बात करूँ क्रूज मिसाइल की, तो इनकी एल्टीट्यूडल रेंज जो होती है वो बहुत कम होती है, लो होती है, क्योंकि ये अर्थ टू अर्थ यानी कि सरफेस टू सरफेस अगर मैं बोला जाऊं तो ये लोअर एल्टीट्यूड रेंज में अपने टारगेट को लॉक करके उनको मारने की क्षमता रखती है। डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है ड्यू टू देयर स्पीड। बात करूं प्रिसीजन की, तो बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रिसीजन होता है, जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो मारने की क्षमता होती है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में, वो काफी लो होती है, अराउंड फ्यू 100 मीटर्स। जो पर्टिकुलर टारगेट होता है, जो मेन टारगेट होता है, उसके थोड़े उसके कुछ 100 किलोमीटर्स के रेडियस और यार्ड्स में ये बैलिस्टिक मिसाइल हिट करती है। बहुत बड़ा जो टारगेट होता है, बहुत लास्ट टारगेट जो होता है, कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है या बहुत बड़ा दुश्मन का कुछ बेस है, इसको उड़ाने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज किया जाता है। तो बेसिकली फिट होती है लास्ट टारगेट्स के लिए। वही मैं बात करूँ, अगर कोई छोटा टारगेट है, बहुत जल्दी हिल रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके लिए हम क्रूज मिसाइल्स का यूज करते हैं। इनकी प्रिसीजन बहुत हाई होता है, बिल्कुल टारगेट पे, बिल्कुल राइट एक्यूरेट मूवमेंट और पॉइंट पे टारगेट पे हिट करती है, जिसकी वजह से इनकी जो प्रिसीजन स्टाइल होती है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। क्रूज मिसाइल बेसिकली जो नेवीज होती हैं वो अपनी सबमरीन्स में यूज़ करती हैं, एयरफोर्स यूज़ करती है, हमारी इंडियन आर्मी यूज़ करती है, सो डैट जो मोबाइल टारगेट्स हैं, जो हिलते डुलते टारगेट्स हैं एनिमी के, दुश्मन के, और जो स्मॉल टारगेट्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं, उनको इजिली एक्यूरेटली टारगेट पे हिट करने के लिए हम क्रूज मिसाइल का यूज कर सकते हैं। बात करता हूँ स्पीड की, तो स्पीड में बैलिस्टिक मिसाइल की जो स्पीड होती है वो समथिंग अराउंड 25,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है एट अ वेरी फ्यू इम्पैक्ट, बिल्कुल टारगेट पे जाके हिट करेगी। इंटरसेप्ट करना हार्ड होता है, रिडार्स में इतनी इजिली आती नहीं है बैलिस्टिक मिसाइल्स। वही बात करूँ क्रूज मिसाइल की, तो इनकी जो स्पीड होती है वो 1,000 किलोमीटर पर आवर होती है, एंड इनको इंटरसेप्ट इजिली किया जा सकता है रिडार्स के थ्रू। आई होप आप क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा इन द कैटेगरी ऑफ रेंज, एल्टीट्यूड, प्रिसीशन एंड स्पीड। अब बात करते हैं अलग अलग क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में। क्रूज मिसाइल बेसिकली होती क्या है? तो क्रूज मिसाइल्स जो होती हैं गाइडेड अनमैन्ड मिसाइल्स होती हैं एंड आर यूज टू अगेंस्ट द टारगेट विच विद इन एटमोसफेयर। समझते हैं इस लाइन को। क्रूज मिसाइल गाइडेड अनमैन्ड मिसाइल्स होती है, यानी गाइडेड का मतलब ये होता है कि इनके इनको जिस टारगेट पे हिट करना होता है वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है प्रोग्रामर के थ्रू। अलग अलग तरीके से इनके क्रूज मिसाइल्स के डायरेक्शन को लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो एक्यूरेसी होती है वो 100% हो जाती है, और बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके हिट करता है टारगेट पे, इसलिए इनको गाइडेड मिसाइल बोला जाता है। अनमैन्ड मिसाइल का मतलब ये होता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम होता है, इंसान की दखल बहुत कम होती है, सारा काम प्रोग्राम जो होता है कंप्यूटर के थ्रू होता है, गाइडेड होता है, और सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, इसकी वजह से इनको अनमैन्ड मिसाइल भी बोला जाता है जो कि यूज होता है टारगेट्स पे। टेरिस्ट्रियल टारगेट मतलब वो टारगेट जो क्योंकि एटमोसफेयर के अंदर है, एटमोसफेयर के बाहर नहीं है, स्पेस में नहीं है, बल्कि एटमोसफेयर के अंदर जो टारगेट्स होते हैं उनको हिट करने के लिए क्रूज मिसाइल्स यूज करी जाती है, उन टारगेट्स को हम लोग टेरिस्ट्रियल टारगेट्स बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, जेट इंजन इज मोस्टली यूज फॉर द एरोडायनामिक लिफ्ट। ये क्रूज मिसाइल्स की जो इनको जब लॉक करके हम लोग रिलीज करते हैं तो इनकी जो लिफ्ट होती है, इनको जो जो पीछे से थ्रस्ट मिलता है उसके लिए हम बेसिकली जेट इंजन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्रूज मिसाइल्स आगे इतनी रफ्तार से ट्रेवल कर पाती हैं, तो जेट इंजन का यूज होता है। दे आर लो लेवल फ्लाइट्स विच कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड, एयर एंड वाटर। ये जो मिसाइल्स होती है इनकी इंटरऑपरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनको जमीन, हवा, पानी तीनों से लॉन्च किया जा सकता है। लो लेवल फ्लाइट होती है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इनका एल्टीट्यूड रेंज होता है वो कम होता है, इसकी वजह से जो मोबाइल टारगेट्स हैं जो जमीन के अंदर या फिर पानी में है, हवा में है, जो जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं, उनको इजिली टारगेट और लॉक करने के लिए क्रूज मिसाइल्स यूज करी जाती हैं। अब क्रूज मिसाइल्स के तीन सब कैटेगरी होते हैं जिनको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में इन कैटेगरी के बेसिस पे पूछ लिया जाता है। तो बेस्ड ऑन द स्पीड, क्रूज मिसाइल की जो स्पीड होती है उसके बेसिस पे हमने इनको तीन तीन सब सब क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर रखा है। तो पहली जो होती है वो होती है सबसोनिक क्रूज मिसाइल, दूसरी होती है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, और तीसरी होती है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। एक क्रूज मिसाइल्स का एग्जांपल ऑलरेडी मैंने आपको बताया, जैसे ब्रह्मोस और निर्भय, ये मिसाइल्स जो है क्रूज मिसाइल्स की कैटेगरी में आती है। तो ये तीन जो है सब कैटेगरी है, समझते हैं तीन कैटेगरी क्या क्या है। इन कैटेगरी को समझने से पहले आप इस डेफिनेशन पे ध्यान से देख, इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान से देखें, मैक नंबर।
मैक नंबर बेसिकली एक यूनिट होती है जिसकी वजह से हम इन मिसाइल्स की स्पीड को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बॉडी, जो बॉडी है उसकी स्पीड टू द स्पीड ऑफ द साउंड। साउंड की स्पीड से बॉडी की स्पीड का जो डिफरेंस होता है, उनका जो डिफरेंस बाद में निकल के आता है एक पर्टिकुलर मीडियम में। मीडियम डेंसर भी हो सकता है, रेयर भी हो सकता है। हवा, अगर मिसाइल हवा से पानी में जा रही है, तो यानी कि हवा एक मीडियम हो गया, पानी एक दूसरा मीडियम हो गया, तो उस हवा से पानी के अंदर ट्रेवल करने के बीच में इनकी बॉडी और साउंड की स्पीड के बीच में जो डिफरेंस हुआ उसको हम मैक नंबर कहते हैं। यानी कि स्पीड ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ साउंड इन अ पर्टिकुलर मीडियम, इट्स कॉल्ड मैक नंबर। ये नंबर आप, ये मैक यूनिट आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। तो अब समझते हैं कि ये तीनों कैटेगरीज में क्रूज मिसाइल्स क्या क्या होती हैं। पहली कैटेगरी है सबसोनिक। ये जो मिसाइल्स होती हैं, द सबसोनिक मिसाइल्स, दीज मिसाइल्स ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लेस देन 1 मैक नंबर। यानी कि जो इनका मैक नंबर है वो 1 है, और 1 मैक नंबर से जो लेस जो स्पीड में जो मिसाइल्स ट्रेवल करती हैं उनको सबसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में डाला गया हुआ है। जैसे कि निर्भय, निर्भय में क्रूज मिसाइल जो है वो सबसोनिक मिसाइल है, क्योंकि ये 1 मैक नंबर यानी कि साउंड की स्पीड से कम ट्रेवल करती है, इसलिए सबसोनिक मिसाइल है। दूसरी मिसाइल है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब ये वो मिसाइल्स होती है जिनकी मैक स्पीड 2 और 3 के बीच में वेरीज करती है, जैसे ब्रह्मोस। सो साउंड की स्पीड जो होती है उससे दुगना या तिगुना, 2 या 3 टाइम्स मैक नंबर अगर किसी मिसाइल का हो, सो वो मिसाइल सुपरसोनिक कैटेगरी में आती है, जैसे ब्रह्मोस। एंड तीसरा, जो कि अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है, उसको वो मिसाइल्स होती हैं हाइपरसोनिक। ये मिसाइल्स जो होती है इनका मैक नंबर 5 होता है, यानी कि ये 5 मैक नंबर से ज्यादा की स्पीड रखती है, यानी कि रफ्तार, साउंड की रफ्तार जो होती है उससे 5 गुना ज्यादा रफ्तार में ट्रेवल करने की जो क्षमता वो मिसाइल्स में होती है, वो ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती है। जैसे ब्रह्मोस 2, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुई है, जो अपने डेवलपमेंट फेज पे। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे कैटेगरी। अब बात करते हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर। सो बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं बेसिकली, जो अभी हमने स्टार्टिंग में मेरे को समझाया था, थोड़ा और समझते हैं डिटेल में। द फ्लाइट पाथ ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल इज कैरेक्टराइज विद द बैलिस्टिक ट्रेजेडरी। ये वो मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं जो, पहली बात तो, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक ट्रैवल करने की क्षमता रखती हैं, और जिनकी किलोमीटर रेंज होती है वो 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की होती है। बड़े टारगेट्स को हिट करने की क्षमता रखती है। इनका पेलोड जो लेवल होता है वो अच्छा होता है, मतलब ज्यादा हथियार, ज्यादा इम्पॉर्टेंट पेलोड, ज्यादा इम्पॉर्टेंट वेपन जो उसके अंदर है, कन्वेंशनल या न्यूक्लियर, उनको ट्रैवल करने की, उनको कैरी करने का लोड की क्षमता इनमें ज्यादा होती है। बेसिकली पहला पॉइंट जो ये है वो ये कह रहा है कि ये बलस्टिक मिसाइल्स की जो ट्रेजेक्ट्री होती है, यानी कि जो इनकी पाथ है, जिस डायरेक्शन से ये जाएंगी और जिस रास्ते से ट्रैवल करके हिट करेंगे अपने टारगेट को, जो वो ट्रेजेक्ट्री होती है वो ऑलरेडी कैरेक्टराइज्ड होती है इनके अंदर, पहले से ही प्रोग्रामर उसको सेट कर देता है। दूसरा पॉइंट, बलस्टिक मिसाइल्स कैन बी लॉन्च फ्रॉम लैंड एंड सी बेस्ड। बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स अपनी साइज और अपने पेलोड के हिसाब से जमीन या पानी दोनों से जो है लॉन्च करी जा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल की साइज और हैवीनेस के कारण इनको हवा से लॉन्च नहीं किया जा सकता, इसलिए सिर्फ ये लैंड और सी से लॉन्च करी जा सकती है। वहीं क्रूज मिसाइल में ये फायदा ये होता है कि वो एयर टू एयर भी रहती है, लैंड टू लैंड एंड वाटर टू वाटर। ड्यूरिंग द असेंट इट टेक्स अ हाई आर्क ट्रेजेक्टरी एंड फॉल्स फ्रीली ड्यूरिंग द डिसेंट। जब ये लॉन्च करी जाती है तो ये बहुत हाई, बहुत ऊंची ट्रेजेक्टरी जो है वो गेन करती है, बहुत ऊंचाई तक जाती है, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके दूसरे सब एटमॉस्फेयर में जाकर, तब जाके दूसरे कॉन्टिनेंट में इजिली अपने टारगेट पर लॉक करके वहाँ लॉन्च होती है। एग्जाम्पल जैसे कि अग्नि और पृथ्वी, ये दो मिसाइल्स जो है ये बलिस्टिक मिसाइल कैटेगरीज में आती हैं। अब बलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं इनमें बहुत सारी कैटेगराइजेशन है, अलग अलग कैटराइजेशन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो समझते हैं बलिस्टिक मिसाइल कौन कौन सी बलिस्टिक मिसाइल्स किस किस बेसिस और किस किस फंक्शनैलिटी में काम करती है। पहली फंक्शनैलिटी जो है वो लॉन्च मोड है। अपने लॉन्च मोड के बेसिस पे बलिस्टिक मिसाइल्स कैसी कैसी प्रकार की होती है उसको समझते हैं। पहले पहला जो टाइप है वो है सरफेस टू सरफेस, जमीन से जमीन पे मार करने वाली जो मिसाइल होती है वो पहली बलिस्टिक मिसाइल है। दूसरी बलिस्टिक मिसाइल की कैरेक्टरिस्टिक सरफेस टू एयर होता है, जो कि जमीन से हवा में मार सकती है। तीसरी एयर टू एयर, हवा से हवा में मार करने की क्षमता। चौथी एयर टू सरफेस, हवा से जमीन पे मार करने की क्षमता। पांचवा सरफेस टू सी, जमीन से पानी में मार करने की क्षमता। और आखिरी एंटी टैंक मिसाइल्स, किसी टैंक को डिस्ट्रॉय अगर करना है, किसी दुश्मन टैंक को डिस्ट्रॉय करना है तो उसको मारने की क्षमता बैलिस्टिक मिसाइल्स में होती है। अगर हम रेंज फंक्शनैलिटी की बात करें, दूरी की बात करें, कितनी दूरी तक मार सकती है, तो उसमें इनके चार कैरेक्टराइजेशन होते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स के, जो कि अपने अपनी फंक्शनैलिटी की वजह से उनको डेवलप किया जा सकता है, अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको डेवलप किया जा सकता है।
पहली होती है शॉर्ट रेंज मिसाइल जो छोटी दूरी के लिए यूज करी जाती है, दूसरी होती है मीडियम रेंज मिसाइल जिनकी जो रेंज होगी वो कुछ किलोमीटर्स होती है, मीडियम रेंज होती है, तीसरी होती है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल जिनकी डिस्टेंस जो होती है वो थोड़ा ज्यादा होता है अप टू कंट्रीज टू कंट्री, एंड आखिरी जो होती है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक मार्ग करने की क्षमता रखती है। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रपल्शन, जो बेस्ड ऑन प्रपल्शन फंक्शनैलिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला है सॉलिड प्रपल्शन। बेसिकली प्रपल्शन का मतलब क्या है, प्रपल्शन का मतलब ये है कि जो मिसाइल जब लॉन्च करी जा रही है तो उसके अंदर जो फ्यूल यूज हो रहा है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रही है, जिस वजह से उसको थ्रस्ट मिल रहा है, वो कौन सा फ्यूल, किस किस फ्यूल के बेसिस पे वो काम करती है, उसमें इंजन में कौन सा फ्यूल यूज होता है, उसको हम प्रपल्शन कहते हैं। पहला है सॉलिड प्रपल्शन, कोई सॉलिड फ्यूल हम यूज कर रहे हैं। दूसरा है लिक्विड प्रपल्शन, कोई लिक्विड फ्यूल हम यूज कर रहे हैं। तीसरा है हाइब्रिड प्रपल्शन, यानी कि सॉलिड और लिक्विड दोनों का मिक्स वर्जन, उसको हाइब्रिड प्रपल्शन कहते हैं। चौथा रैमजेट, रैमजेट प्रपल्शन वो प्रपल्शन होता है जिसमें कि हवा को बहुत हाई प्रेशर से इंजन के अंदर लिया जाता है और थोड़े से फ्यूल के संग कंबाइन करके बहुत हाई एफिशिएंट थ्रस्ट पैदा किया जाता है जिससे कि मिसाइल बहुत रफ्तार में आगे बढ़ सके। उसके बाद स्क्रैमजेट, स्क्रैमजेट इज बेसिकली कुछ नहीं है, कुछ रैमजेट का अपडेटेड वर्जन है, उस इंजन को मॉडर्नाइज करके हमने स्क्रैमजेट इंजन बनाया है जिसकी वजह से इसका प्रपल्शन लेवल बढ़ जाता है। और आखिरी क्रायोजेनिक प्रपल्शन, क्रायोजेनिक प्रपल्शन बेसिकली क्रायोजेनिक फ्यूल पे काम करता है, ये वो तरह का फ्यूल होता है जो कि बहुत बहुत ही लो लेवल पे स्टोर किया जाता है, एंड इसका हायर मास फ्लो होने की वजह से ये फ्यूल जो होता है ये फॉसिल फ्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा थ्रस्ट पैदा करता है अगर पावर के संग कंबाइन किया जाता है इंजन के अंदर, जिसकी वजह से इंजन को बहुत ज्यादा थ्रस्ट मिलती है और ओवरऑल इंजन की लाइफ और उसकी एबिलिटी को बढ़ा देता है। बात करूं वॉरहेड की फंक्शनैलिटी के ऊपर, तो दो तरह के वॉरहेड यूज किए जाते हैं, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर। कन्वेंशनल वॉरहेड वो वॉरहेड होता है इसमें मिसाइल्स में जो हम पेलोड यूज करते हैं, जो वेपन हम यूज करते हैं वो की जो कि नॉर्मल वेपन होता है, नॉर्मल बॉम्ब्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं। और दूसरा वॉरहेड होता है न्यूक्लियर वॉरहेड, जिसमें हम न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर का यूज करते हैं, न्यूक्लियर वेपन का यूज करते हैं एज अ वॉरहेड मिसाइल के अंदर। बात करें गाइडेंस सिस्टम की, जो गाइडेंस सिस्टम मैंने अभी आप बताया, किसी मिसाइल को एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ट्रैवल करने के लिए जो प्रॉपर प्रोग्राम्ड गाइडेंस पाथ होती है उसको गाइडेंस सिस्टम कहते हैं। गाइडेंस सिस्टम में बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि वायर गाइडेंस, वायर के थ्रू मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। दूसरा कमांड गाइडेंस, जिसमें कमांड दे दी जाती है और मिसाइल लॉन्च होती है। तीसरा इनर्शियल गाइडेंस, इनर्शियल गाइडेंस होता है। चौथा टेरिस्ट्रियल गाइडेंस। पांचवा लेजर गाइडेंस, यानी कि लेजर के थ्रू जो मिसाइल होती है उसके उसके अंदर जो सेंसर्स लगे होते हैं वो पर्टिकुलर टारगेट पे लॉक, लेजर को लॉक करके वहां पर मिसाइल एक्यूरेट पोजिशन पे ब्लास्ट करते हैं। और आखिरी आरएफ एंड जीपीएस, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड जीपीएस गाइडेंस, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा किसी मिसाइल को अगर लॉन्च किया जाए या फिर जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के द्वारा टारगेट लॉक करके मिसाइल को लॉन्च किया जाए तो वो तरह का गाइडेंस होता है। अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ मेजर मिसाइल्स इंडिया की, कौन कौन सी मिसाइल जो है अभी इंडिया में ऑपरेशनल है और उनकी क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या क्या स्पीड्स है, वो भी समझते हैं। तो पहली कैटेगरी है एयर टू एयर, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। उसमें कुछ मेजर मिसाइल्स के मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इन मिसाइल्स को आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके एग्जामिनेशन कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आएगा। पहला है अस्त्रा, अस्त्रा मिसाइल। अस्त्रा में दो दो वेरियंट है इनके, अस्त्रा MK1, अस्त्रा MK2। दूसरा है नोवेटर KS-172 और तीसरा है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट। ये तीन मिसाइल्स हैं एयर टू एयर जो हवा में मार करने की क्षमता रखती हैं। इनकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक के टारगेट को लॉक करके उसको मार करने की क्षमता है इन मिसाइल्स के अंदर। स्पीड इनकी 4.5 मैक, नोवेटर की मैक 3.3 एंड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट की स्पीड मैक 2.5 है, यानी कि साउंड की रफ्तार से 2 गुना, 3 गुना, 4, 4.5 गुना ज़्यादा की रफ्तार इन मिसाइल्स की होती है। वॉरहेड, हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड्स ये लोग यूज़ करते हैं, हाई एक्सप्लोजिव फ्रेगमेंटेशन डायरेक्टली वॉरहेड, यानी कि मतलब मिसाइल के अंदर जो वॉरहेड होगा वो बहुत ज़्यादा हद तक तबाही मचाएगा, वो वॉरहेड इन मिसाइल्स में यूज़ किया जाता है। दूसरी होती है एंटी रेडिएशन, जो कि जो मिसाइल्स रेडिएशन जो है डिटेक्ट नहीं कर पाती है, कोई उनको कोई रिडार्स उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि अभी अपने टेस्टिंग फेज में है। DRDO इसको डेवलप कर रहा है, DRDO की एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो एयर टू सरफेस है, हवा से ज़मीन पर मार करने की जो मिसाइल होगी वो बनाई जा रही है। बात करें एंटी शिप, दुश्मन के शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हमारे डिफेंस फोर्सेस यूज़ कर रही हैं, वो है जैसे कि पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी फैमिली की धनुष मिसाइल,
ब्रह्मोस, ब्रह्मोस टू, डीआरडीओ, एनएसएम, एसआर। पृथ्वी मिसाइल जो है वो शिप बेस्ड मिसाइल है, जो शिप में यूज करी जाती है ताकि शिप के थ्रू लॉन्च करी जा सके। दूसरी है मल्टी प्लेटफॉर्म सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल। मल्टी प्लेटफॉर्म का मतलब है किसी भी प्लेटफॉर्म से, शिप, हवा, पानी, किस कहीं से भी इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। इसकी इंटरऑपरेबिलिटी हवा, पानी, समुद्र सब में होती है, जमीन से। कन्वेंशनल न्यूक्लियर तीनों मिसाइल जो है ये सारी दोनों तरह के वॉरहेड को ले जाने के लिए सक्षम है, सॉरी, कन्वेंशनल और न्यूक्लियर। मैक्सिमम रेंज इनकी जो है 750 किलोमीटर तक मार करने की है। वही बात करूं एंटी सैटेलाइट की, जो रिसेंट आपने मिशन शक्ति के बारे में सुना होगा, नरेंद्र मोदी जी ने अपने अनाउंसमेंट करी थी मिशन शक्ति, जिसमें इंडिया जो है वो लिस्ट ऑफ कंट्रीज में चौथे स्थान पे आ गया है, जो कि स्पेस में किसी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए सक्षम हो चुका है, जिसमें हमने पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क टू के द्वारा एंटी सैटेलाइट एसैट मिशन के थ्रू हमने एक सैटेलाइट डेवलप करी है, जो कि एक्सो एटमोस्फेयर, मतलब जो बाहर का एटमोस्फेयर होता है उसमें भी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को किल करने की क्षमता रखता है, वो मिसाइल हमने डेवलप करी है। तो उस डेवलपमेंट के फेज में जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क टू के नाम से है, जिसका इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड 1200 किलोमीटर, यानी कि 1200 किलोमीटर लॉन्च होकर 1200 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता उस मिसाइल के अंदर होगी। बात करो एंटी टैंक की, दुश्मन के टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो मिसाइल्स हम लोग यूज करते हैं, जो कि डीआरडीओ ने बनाई है, वो है एंटी टैंक मिसाइल्स में प्रोस्पीना, हेलिना, वायर्ड गाइडेड फर्स्ट जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल, जो वायर के थ्रू गाइडेड गाइडेड ट्रांसमिशन होगा जिसका। थर्ड जनरेशन लैंड टैंक एटीजीएम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एयर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दूसरी है नाग, तीसरी है अमोगा मिसाइल। नाग में भी इनके जो दो वेरिएंट है वो है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल और एमपीएटीजीएम मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक जैसे मिसाइल। हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। मैक्सिमम रेंज जो है वो ज्यादा ज्यादा नहीं है, क्योंकि टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज होती है। दूसरी है अमोगा मिसाइल, जो अमोगा 1 और एयर लॉन्च अमोगा, मैन पोर्टेबल अमोगा मिसाइल्स हैं इनके नाम है, जो कि हीट सेंस बेस्ड मिसाइल हैं, जो कि पर्टिकुलर टैंक में जो हीट रेडिएशन निकलती है उसको उसको एब्जॉर्ब उसको एक्सेस करके ये मिसाइल अपने टारगेट को लॉक कर लेती है। फिर एसएमएचओ, समूह एंटी टैंक मिसाइल है, जो लेजर गाइडेड कैनन लॉन्च एंटी टैंक हेलीकॉप्टर मिसाइल, जो हेलीकॉप्टर से हेलीकॉप्टर को मार गिराने के लिए जो सक्षम है, ये वो मिसाइल है। बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारे रेंजेस हैं, जैसा आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें। पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी फैमिली की जो मिसाइल्स हैं वो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 और धनुष मिसाइल है। सैम है, सरफेस टू सरफेस, सर्च टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ये सारी सैम मिसाइल्स हैं। सैम का मतलब सरफेस टू सरफेस। कन्वेंशन न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों को ले जा सकते हैं, रेंज आप समझ सकते हैं। वही बात करूँ अग्नि मिसाइल की, तो अग्नि की 6 फैमिलीज हैं, अग्नि 1, अग्नि IP, अग्नि 2, 3, 4, 5, 6। ICBM है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इनकी रेंजेस आप देख सकते हैं 12,000 किलोमीटर तक, जो अग्नि 6 है वो अपनी एडवांस लेवल में 12,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर सारे वॉरहेड्स को ये ले जाने में सक्षम होती है मिसाइल। उसके बाद सूर्य मिसाइल, सूर्य मिसाइल 16,000 किलोमीटर तक मार गिराने की क्षमता रखती है। के मिसाइल फैमिली में K-15, K-4, K-5, K-6 जो मेजरली नेवी यूज करती है सभी मरीन्स में, ये वो मिसाइल्स हैं। प्रहार मिसाइल, जो टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड को यूज करते हुए। इन सारी मिसाइल्स की ये रेंजेस हैं, जैसे K-6 की जो रेंज है वो सबसे ज्यादा है 6,000 किलोमीटर। ये सारी मिसाइल्स को डेवलपमेंट प्रोसेस में डेवलप किया जाता है, इनकी रेंजेस सुधारी जाती हैं, जिसकी वजह से इनका अपग्रेडेड वर्जन आता रहता है। तो जैसे के मिसाइल फैमिली में अपग्रेडेड वर्जन K-6 है अभी, और वहीं अगर मैं बात करूं अग्नि मिसाइल में, तो अपग्रेडेड वर्जन 6 है, अग्नि 6। उसके बाद प्रलय, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, कन्वेंशनल ले जा सकता है, सिर्फ वॉरहेड ड्यूर नहीं ले जा सकता, 500 किलोमीटर की डिस्ट्रॉय क्षमता है। बात करूं क्रूज मिसाइल की, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली ब्रह्मोस, जिसमें ब्रह्मोस ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्रह्मोस A, सबमरीन लॉन्च ब्रह्मोस जो सबमरीन से लॉन्च करी जाती है, ब्रह्मोस ER एंड ब्रह्मोस NG। सुपरसोनिक है सारी रेंजेस इनके अंदर, अलग अलग जगह से लॉन्च करी जा सकती है, शिप, लैंड, एयर, हर तरीके से सबमरीन से लॉन्च करने की क्षमता रखती है मिसाइल्स। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों वॉरहेड यूज कर सकते हैं। मैक 3, यानी कि साउंड की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा ट्रैवल करने की क्षमता है, स्पीड है इनमें। मैक्सिमम रेंज इनकी जो है वो आप देख सकते हैं, शॉर्ट रेंजेस होती हैं क्रूज मिसाइल की, जैसे मैंने आपको समझाया था। उसके बाद ब्रह्मोस 2 फैमिली में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप्ड है, कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जाती है। मैक 7 की स्पीड, यानी कि
साउंड की जो स्पीड है उससे 7 गुना ज्यादा स्पीड में ये मिसाइल ट्रैवल करती है, जो कि अभी डेवलपमेंटल स्टेज पे है अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल। बात करूं निर्भय की, सबसोनिक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, लैंड से अटैक करने वाली जो मिसाइल है निर्भय, जो अभी रिसेंटली डेवलप हुई है, 1000 किलोमीटर की क्षमता है और कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वॉरहेड दोनों को ले जा सकती है। बात करूं सरफेस टू एयर, जमीन से हवा में मार करने वाली जो मिसाइल्स होती हैं, जमीन से लॉन्च करके हवा के टारगेट्स को अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है तो उसमें कैटेगरी में जो मिसाइल्स हैं उनकी फैमिलीज हैं त्रिशूल मिसाइल, आकाश, मैत्री, QRSAM, बराकेट, फेज वन ऑफ इंडियन बलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। आकाश मिसाइल्स के अंदर नेम आकाश MK1, आकाश MK2, आकाश NG मेजरली डिफेंस फोर्सेज यूज करती हैं। MRSAM, LRSAM मिसाइल्स, रेंजेस इनकी सर्फेस टू सर्फेस, एयर सर्फेस टू एयर मिसाइल में शॉर्ट रेंज होती है, मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल में होती है। हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड वॉरफेयर वॉरहेड ले जाने के लिए क्षमता होती है मिसाइल्स के अंदर, बट न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं ले जा सकती है। वही बात करूँ बराकेट की, प्रॉक्सिमिटी सेंसर बेस्ड होती है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से अपने टारगेट को इजिली लॉक कर लेती है उसकी प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पे, गाइडेड होती है, Mach 2 की स्पीड है, मीडियम रेंज है सरफेस टू एयर जमीन से हवा में मार करने के लिए, और LRSAM जो है लॉन्ग रेंज के लिए यूज होती है। बराकेट इज ऑल्सो यूज बाय द इंडियन नेवीज एज वेल। और बात करूँ एडवांस एयर डिफेंस और पृथ्वी डिफेंस व्हीकल की, ये जो दो व्हीकल प्रोग्राम्स हैं, ये एंडो एटमोस्फेरिक एंटी बलस्टिक मिसाइल, एक्सो एटमोस्फेरिक एंटी बलस्टिक, ये वो डिफेंस व्हीकल्स हैं जिनसे मिसाइल्स लॉन्च करी जाती हैं सरफेस टू एयर के पर्सपेक्टिव में, ये वो मिसाइल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अदर सिस्टम्स में अगर बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स, वो है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो नेवी यूज करती है, पिनाका MK1, पिनाका MK2 गाइडेड पिनाका, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स हैं ये सारे के सारे, 40 किलोमीटर रेंजेस कम है, 40 किलोमीटर 90 किलोमीटर, एंड वॉरहेड वेरियस तरह के वॉरहेड्स इसमें यूज किए जा सकते हैं। वहीं इंडियन लॉन्ग रेंज MRL मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है, सेम वॉरहेड्स दोनों तरह के वॉरहेड यूज किए जा सकते हैं कन्वेंशनल न्यूक्लियर। वहीं बात करूँ के मिसाइल फैमिली में तो शौर्य मिसाइल जो है वो हाइपरसोनिक सर्फेस टू सर्फेस टैक्टिकल मिसाइल है जो कि कन्वेंशनल न्यूक्लियर दोनों वॉरहेड में यूज किया जा सकता है, डेवलपमेंटल स्टेज पे है, Mach 2 7.5 यानी कि साउंड की रफ्तार से 7.5 गुना ज्यादा स्पीड में ट्रेवल कर सकती है। और अभी जो रिसेंटली मिसाइल डेमोन्स्ट्रेट हुई है वो है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, टेस्ट बेड फॉर डेवलपमेंट हाइपरसोनिक सिस्टम अभी टेस्टिंग फेज में है, जिसकी मैक स्पीड जो होगी वो 12 होगी और वॉरहेड अभी डिसाइडेड नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि एक इमेज आपके सामने है जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग मिसाइल्स की कौन कौन सी रेंजेस हैं, अलग अलग मिसाइल अपने अलग अलग फंक्शनैलिटी के बेसिस में अलग अलग मैक स्पीड के हिसाब से कैसे कैसे ट्रैवल कर सकती हैं, जैसे ब्रह्मोस, निर्भय, प्रहार, पृथ्वी 2, अग्नि, अग्नि 2, अग्नि 4, 5, K5, K15 सॉरी एंड K4। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हम अपने एनिमीज को अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है हमें अपने आसपास, तो हमारा जो प्यारा सा इंडिया है इससे हम कैसे अपने इंडिया की रक्षा कर सकते हैं अपने दुश्मनों से। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड ये जितने भी मिसाइल्स मैं आपको बताई हैं, यही इन मिसाइल से बाहर से कहीं नहीं से पूछेंगे, एंड इनके आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टडीज़ में काम ला सकते हैं। थैंक यू सो मच, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ।